21 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक करीब 4 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक इस 4 घंटे की मैराथन बैठक में किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर ना ही कोई चर्चा हुई और ना ही कोई निर्णय लिया गया। बैठक किसी भी समस्या का समाधान निकाले बिना ही संपन्न हुई। पार्टी नेतृत्व ने अधिकांश मुद्दे पेंडिंग छोड़ दिए, लेकिन इस बीच मजेदार बात ये रही कि हाल ही में जो इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित हुई थी, उसमें ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया था। इस प्रस्ताव को लेकर भी बैठक में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। बता दें, ममता बनर्जी द्वारा दिए गए प्रस्ताव का समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। इसके अलावा ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में एक और सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में प्रियंका गांधी को उतारना चाहिए, लेकिन और प्रस्ताव की तरह इस प्रस्ताव पर भी कहीं कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो वही दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी इस बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा। पार्टी के कुछ सदस्य राहुल गांधी पर दबाव डाल रहे थे कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव से पहले फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए, लेकिन पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए पार्टी को यात्रा शुरू करने के बजाय लोकसभा चुनाव की तैयारियां करनी चाहिए। लेकिन आखिरी में इस यात्रा को लेकर भी बैठक में कहीं कोई निर्णय नहीं लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतिम निर्णय राहुल गांधी पर छोड़ते हुए कहा कि वो जब चाहे, जहां से चाहे, वहां से यात्रा शुरू कर सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, जिस पर KC वेणुगोपाल ने कहा कि इस काम को करने के लिए गठित समिति राज्य की इकाइयों के साथ बातचीत करेगी और सोच समझकर कोई निर्णय लेगी। लेकिन बैठक में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही जब KC वेणुगोपाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद पार्टी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, तो आपको बता दें पार्टी का वोट बैंक एकदम सही और सलामत है। ऐसे में देखने लायक होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठ, क्योंकि KC वेणुगोपाल का कहना है कि पार्टी में सब ठीक है और अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। CWC की ये बैठक इस बात का साफ साफ संकेत देती है कि पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। शुक्रिया।